नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम तगार बनाएंगे। तगार लड्डू बनाने में या पेड़ा बनाने में यूज की जाती है। तगार बाजार में आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके यहाँ तगार ना मिले तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। इसे बूरा भी कहा जाता है तगार को। तो आइए देखते हैं तगार कैसे बनाएंगे। ये चीनी हमने 3 कप ले ली है, तो 3 कप चीनी हम पैन में डाल देंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। पानी डालेंगे और चाशनी बना करके बस तगार बन जाएगी। तो 3 कप चीनी और 1 कप पानी डाल देंगे इसमें। और चीनी मेल्ट होने तक पहले इसे पकाना है, इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। बीच में एक दो बार हम इसे चला दिया करेंगे। ये चीनी घुल गई है और अब हम 2-3 मिनट इसे पकने देंगे, फिर इसको चेक करेंगे। ये चाशनी को बीच बीच में थोड़ा चला देंगे, क्योंकि वो फनती भी है ये। और पहले जब तगार बनाते थे, पहले चीनी में थोड़ी गंदगी आती थी, तो तगार बनाते समय थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून दूध डाल लिया करते थे। उससे दूध से क्या होता है, सारी गंदगी किनारों पर चली जाती है झाग के रूप में, और वो झाग अलग निकाल दिए जाते हैं। लेकिन अभी चीनी एकदम साफ़ आ रही है, तो इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कुछ भी चीनी में गंदगी बिल्कुल नहीं होती। अभी एक ड्रॉप हम इसकी डाल के देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ठंडा होने के बाद उंगली से टच करेंगे। हाँ, गाढ़ी तो हो रही है एकदम से। थोड़ा और पका लेते हैं। देखिए, बिल्कुल से हाथ से छूते ही इसे जम जा रही है चाशनी। थोड़ा और पकाएंगे अभी हम इसे। ये चाशनी में हम घी डाल के मिला दे रहे हैं। इससे क्या होता है, ये तगार खिलाने में बड़ी आसानी होती है। एकदम ज़्यादा डेले डेले नहीं बनते, सख्त तगार नहीं बनती, अच्छे से खिली खिली मुलायम तगार बनती है। फिर से चेक कर लेते हैं। काफ़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन और हम इसे 1-2 मिनट पका लेते हैं। ये चाशनी हमारी बन गई है, तगार खिलाने के लिए तैयार हो गई है। देखिए, बिल्कुल वाइट कलर गिरा रहे हैं, एकदम वाइट कलर आता जा रहा है। काफ़ी गाढ़ी हो गई है चाशनी, और इसे पकाने में हमें चीनी खुलने के बाद कम से कम 6-7 मिनट और पकाना पड़ा है इसे। और गैस भी बिल्कुल एकदम फुल गैस पर हमने चाशनी को पकाया है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और अब हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे और चलाते जाएंगे तो ये अपने आप तगार खिलने लग जाएगी। अब हमें चाशनी को ठंडा करना है। बीच बीच में हम चला देंगे इस तरीके से, ताकि ये एक ही जगह ना जम जाए। हमें पूरा इसको खिलाना है तगार को। देखिए कितनी गाढ़ी होती जा रही है, रवा जैसा बनता जा रहा है। ये चाशनी को हम इस तरीके से ठंडा करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। ये ठंडी होती जाएगी, जमती जाएगी। आप देख रहे हैं कितनी गाढ़ी हो गई है, और अभी आप देखेंगे एकदम से ये खिल जाएगी। चाशनी जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी, वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी और फिर सूखने लगेगी। इसको इस तरीके से दबाते रहेंगे ताकि डेली ना बने।
तगार बन के तैयार हो गई है। अब आप इस तगार से लड्डू या पेड़ा कुछ भी बना सकते हैं। लड्डू के लिए पिसी चीनी यूज़ करते हैं, वो स्वाद हमें कभी नहीं मिलेगा उससे। तगार से बहुत अच्छा स्वाद मिलता है लड्डू में। आप ये तगार बनाइए और अपने अनुभव nishamudhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamudhulika.com पर।